एक और आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और एक और आपके कैंडिडेट को उसी समाज के लोग वोट नहीं कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी जितना करना है करते ही कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं इस पर आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, जो मैं कर रहा हूं उसको देखिए। मुसलमान कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन बिहार में 3-4 जगह से दंगों की रामनवमी में घटना हुई है, उसके बावजूद उस व्यक्ति को लोगों ने धारा के विपरीत जाके, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको शिक्षक नेता के तौर पर कोई नहीं जानता है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने वोटर नहीं बनाया है, एक ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान समाज से आता है, उसको सारण और चंपारण प्रमंडल के तमाम बुद्धिजीवी शिक्षकों ने मिलकर जिताया है। किसी पेड़ के हर टहनी को आप सुधार सकते हैं, पेड़ में फल नहीं लग रहा है या फल में कीड़े लग रहे हैं तो एक तरीका है कि आप पेड़ पर छिड़काव करें कीटनाशक का, लेकिन अगर जड़ में ही खराबी है, जड़ में ही दीमक लग गया है, तो आप पेड़ की टहनियों को उसके फल को अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो जड़ में ये बात है कि जो जड़ हम लोग समझ रहे हैं कि जिस दिन जनता जागरूक हो जाए, लोग ये समझ जाएं, जिस चुनाव का आप जिक्र कर रहे हैं वो एक MLC चुनाव का जीतना हारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरी समझ से। बड़ी बात ये है कि उस चुनाव में वोटर वो है जिसको भाजपा ने, महागठबंधन ने वोटर बनाया है। आप जानते हैं कि MLC टीचर वाले चुनाव में जो लोग एक बार जीतने लगते हैं वो 30-30 साल वही चुनाव जीतते हैं, इसलिए कि वोटर वही बनाते हैं। तो वोटर बनाया महागठबंधन ने, वोटर बनाया भाजपा ने। जिस सज्जन की दुखद मृत्यु की वजह से वो उपचुनाव हुआ तो लोग ये समझते हैं कि भाई जिसकी मृत्यु हो जाए तो सहानुभूति का लहर उनके फेवर में रहेगा, उन्हीं के लड़के चुनाव लड़ रहे थे। और बिहार में हम लोग ये भी कहते हैं जाति और धर्म। मुसलमान कोई कैंडिडेट चुनाव लड़ रहा था, जिस दिन चुनाव हो रहा था उस दिन बिहार में 3-4 जगह से दंगों की रामनवमी में घटना हुई है, उसके बावजूद उस व्यक्ति को लोगों ने धारा के विपरीत जाके, एक ऐसे व्यक्ति को जिसको शिक्षक नेता के तौर पर कोई नहीं जानता है, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने वोटर नहीं बनाया है, एक ऐसा व्यक्ति जो मुसलमान समाज से आता है, उसको सारण और चंपारण प्रमंडल के तमाम बुद्धिजीवी शिक्षकों ने मिलकर जिताया है, ये बड़ी घटना है। किसी MLC का जीतना नहीं जीतना उससे क्या होता है, उससे कोई, आप एक पदयात्रा करके 4 कदम पैदल चल के गांधी नहीं बन सकते हैं, कुछ चुनाव जीतकर आप चाणक्य नहीं बन सकते हैं। ये सदियों में, ये लोग महामानव हैं, सदियों में कोई एक पैदा हुआ है। हम लोग जैसे साधारण व्यक्ति उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास कर सकते हैं, कितना चल पा रहे हैं नहीं चल पा रहे हैं तो समाज को तय करना है। हमारा प्रयास ये है कि अभी तक मैंने नेताओं का, दलों का काम किया है, उनकी मदद की है, अब मैंने तय किया है, संकल्प किया है कि मुझे लोगों की मदद करनी है। जिसको भी लोग चुनकर आपस से निकालेंगे, विचार विमर्श करके जिनके नाम पर भी सहमति होगी, उसके पीछे जनसुराज की, प्रशांत किशोर की पूरी ताकत, समझ, संसाधन, व्यवस्था लगेगी। और आपने देखा अभी हमने इसको करके दिखाया। मैं रोज ये भी कह रहा हूं कि जो मैं कह रहा हूं इस पर आप बिल्कुल भरोसा मत कीजिए, जो मैं कर रहा हूं उसको देखिए। मैं 6 महीने से चल रहा हूं पैदल, इसको तो कोई नहीं नकार सकता है। चलने का कितना प्रभाव है, चलने के पीछे क्या नियत है, ये इस पर आपका शंका हो सकती है, आपकी आशंका हो सकती है, आप उस पर विवाद कर सकते हैं, लेकिन मैं घर परिवार छोड़कर चल रहा हूं इस पर तो कोई विवाद नहीं है, और मैं इसको करूंगा, मुझे यही करना है। और मेरा विश्वास है बिहार के लोगों पर कि उनकी चेतना कहीं दब गई है लेकिन वो मरी नहीं है, समाज की चेतना मरी नहीं है। ये भूमि ऐसी है, यहाँ के बच्चों को और कोई समझ हो चाहे नहीं, सामाजिक राजनीतिक तौर पर लोग प्रबुद्ध हैं। ये जरूर बात है कि विकल्प के अभाव में एक लंबे समय से जाति और धर्म की राजनीति, धन बल बाहुबल की राजनीति से कहीं ना कहीं उनकी चेतना दब गई है, लेकिन इस बात को हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि ये वो धरती है जहां से 1500 साल तक देश की राजनीति चली है, इस कि वो प्रयास किया जाए। अगर मैं समाज को नहीं समझा पा रहा हूं तो गलती मेरे प्रयास में है, न कि समाज में। मैं उसका कोई नोटिस भी नहीं लेता हूं भाई। एक और आप इफ्तार पार्टी कर रहे हैं और एक और आपके कैंडिडेट को उसी समाज के लोग वोट नहीं कर रहे हैं। इफ्तार पार्टी जितना करना है करते रहिए।